वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। बच्चों, आप लोगों के कमेंट्स मुझे लगातार मिलते रहते हैं और कुछ कमेंट्स में रिक्वेस्ट किया गया है कि रूरल मार्केटिंग का सिलेबस में जल्दी कवर करा दूं क्योंकि सीईटी का एग्जाम आने ही वाला है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि जितना भी सिलेबस हमारा आगे पेंडिंग है वो फटाफट हम कवर कर लेते हैं। एम कॉम में भी ये सिलेबस सेम है, वहां भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो उन बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी। अब कम टाइम में ज्यादा काम करना है इसीलिए वीडियो लेंथी होने वाली है, मगर जो बच्चे सीरियस हैं, एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, वो वीडियो की लेंथ की तरफ ध्यान नहीं देंगे, वो वीडियो के कंटेंट की तरफ ध्यान देंगे। सही बोल रही हूँ? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी व्यू के साथ हमारा आज का नया चैप्टर, जिसका नाम है मीडिया प्लानिंग फॉर रूरल मार्केट्स चैप्टर 10 पार्ट 1। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मीडिया प्लानिंग क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, बहुत कुछ है इसमें वीडियो में। तो मगर उससे पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा। बात करते हैं पहले हम प्लानिंग की, उसके बाद देखते हैं मीडिया प्लानिंग क्या है। आप लोगों ने कभी ना कभी ट्रिप किया ही होगा, फिर चाहे वो ट्रिप आप स्कूल ऑर्गेनाइज करता है या कॉलेज के ट्रिप पर गए हैं या कोई फैमिली ट्रिप पर गए हैं। हमेशा कहीं भी ट्रिप पे जाना होता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि किस जगह जाना है, किस डेट पर जाना है, क्या कपड़े लेकर जाने हैं, शॉपिंग में क्या क्या खरीदना है ना, उसके साथ क्या क्या खाने पीने के लिए लेके जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, बहुत कुछ आप सोच रहे होते हैं एडवांस में, आप इतना सब प्लान आउट कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता कि एकदम से माइंड में आया कि चलो मनाली घूमने चले और एकदम से उठ के चल दिए? ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसीलिए नहीं होता क्योंकि प्लानिंग हमारे मकसद को पाने में मदद करती है, आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो इसीलिए हम प्लानिंग्स करते हैं, है ना। तो वही चीज हमारे रियल लाइफ में भी होती है। अगर हम मार्केटिंग अच्छी करना चाहते हैं तो उसमें प्लानिंग बहुत जरूरी है, मगर हम यहां बात कर रहे हैं मीडिया प्लानिंग की। अब ये मीडिया क्या है? मीडिया एक लैटिन वर्ड है जो कि मिडल, ठीक है, लैटिन वर्ड मिडल से बनकर आया है, जिसका मतलब है कि जब मिडल मींस बीच में, ये एक ऐसी पार्टी है जो दो लोगों के बीच में काम करती है। एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर से मैसेज लेकर मीडिया रिसीवर तक मैसेज पहुंचाता है, तो जिस जरिए से आपने मैसेज पहुंचाया वही आपका मीडिया है। वो मीडिया कुछ भी हो सकता है, टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, वॉल पेंटिंग एटसेट्रा, कोई भी चीज जिससे आपने अपना मैसेज कन्वे किया उसे हम मीडिया कहते हैं। तो मीडिया प्लानिंग क्या हो गया? मीडिया प्लानिंग का मतलब कि हम रूरल एरिया में जो मैसेज भेजना चाहते हैं वो कैसे भेजना है, किस कस्टमर को दिखाना है वो मैसेज, किस टाइम पर दिखाना है, ये सारी चीजें सोचना ही मीडिया प्लानिंग होता है। तो जैसा कि मैंने यहां लिखा है कि टू बेसिक टास्क ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन आर मैसेज क्रिएशन एंड मैसेज डिसमिनेशन। मतलब मार्केटिंग कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है, मैसेज क्रिएशन यानी कि एक तो मैसेज बनाना है, ठीक है, जो मैसेज आप ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हो, एंड सेकंड क्या है, मैसेज डिसमिनेशन यानी प्रसार करना, मैसेज का प्रचार प्रसार करना, टेलीकास्ट करना। सिर्फ एक अच्छा मैसेज बना लेना और उसको सही टाइम पे टेलीकास्ट ना करना बहुत बड़ी बेवकूफी हो सकती है। सेकंड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द एसेंस ऑफ प्रमोशन। यस, अगर आप सही तरीके से अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करना चाहते हैं तो उसके लिए कम्युनिकेशन बिल्कुल बेटर होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन करते समय थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आपका मार्केटिंग फ्लॉप हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई थिंक आप सभी ने शक्तिमान सीरियल तो देखा होगा, टॉम एंड जेरी भी देखा होगा, पोपाई शो भी देखा होगा, है ना, पोकेमॉन भी देखा होगा, मैंने भी देखे हैं, आप लोगों ने भी कभी ना कभी देखा ही होगा, सबका फेवरेट भी होता है। अब कभी आपने नोटिस किया कि इन सीरियल्स की टाइमिंग्स क्या थी? इनकी टाइमिंग्स वो थी जिस टाइम बच्चे अवेलेबल होते हैं घर पे और आराम से टीवी देख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सभी चीजें बच्चों के लिए बनाई गई, और अगर बच्चे ही उसे नहीं देख पाए तो क्या फायदा? अगर ये सारी चीजें आप स्कूल टाइमिंग पर दिखा रहे हैं और बच्चा उस समय स्कूल में बैठा हुआ है तो आपका शो कौन देखेगा? मुझे इस बात से एक चीज याद आई है, जब मैं स्कूल टाइम में थी, छोटी बच्ची थी, तो उस टाइम शक्तिमान सीरियल ना सैटरडे को टेलीकास्ट होता था
और उस शक्तिमान का इतना क्रेज था कि बच्चे बस उसको मिस नहीं करना चाहते थे। उनमें से एक मैं भी थी। अब हमारे स्कूल में सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को ऑफ होता था, तो उस दिन मैं बड़ी खुश होती थी कि आज मैं शक्तिमान देख सकती हूँ। मगर फर्स्ट और थर्ड सैटरडे को मेरा एपिसोड मिस होता था क्योंकि घर वाले स्कूल भेज देते थे। अब मेरी क्लास में बहुत से बच्चे ऐसे थे जो सैटरडे को छुट्टी पे रहते थे सिर्फ शक्तिमान की वजह से। अब जो बच्चे क्लास में बैठे हैं वो तो शक्तिमान नहीं देख पा रहे हैं। अब ये बात जब शक्तिमान सीरियल के ओनर को, मतलब मुकेश खन्ना जी को पता लगी और डीडी चैनल को पता लगा कि भाई ये सीरियल पॉपुलर हो रहा है लेकिन हर बच्चा इसे नहीं देख पा रहा, तो उन्होंने उसकी टाइमिंग चेंज करके संडे को कर दिया क्योंकि संडे को सभी बच्चों की छुट्टी होती है, ट्यूशन की भी छुट्टी होती है, बच्चा आराम से घर पर बैठकर देख सकता है। और टाइमिंग भी आई थिंक 11 o'clock था कि संडे को बच्चे आराम से लेट सोकर उठे, तैयार हो जाए, फिर हमारा सीरियल देख सके। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आपका जो कंटेंट है वो आपके ऑडियंस तक पहुंच सके। अब अगर आपके ऑडियंस तक आपका कंटेंट पहुंचेगा ही नहीं तो आपके प्रमोशन कैसे होगी, ठीक है? तो यही चीज यहां पर भी बात कर रहे हैं कि मीडिया प्लानिंग में 3-4 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि हमें क्या मैसेज देना है, दूसरी बात हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है जिनको ये मैसेज भिजवाना है, थर्ड किस टाइम पर ये मैसेज टेलीकास्ट किया जाए। ऑब्वियसली आप रूरल एरिया के लोगों के लिए कर रहे हो ना प्लानिंग, तो रूरल एरिया के लोग ऑब्वियसली मॉर्निंग टाइम पे अवेलेबल नहीं होते, ठीक है? मॉर्निंग में औरतों को भी काम करना होता है और आदमी भी खेतों पे जाते हैं, शाम तक भी वो कामों में बिजी होते हैं। हाँ, रात को उनके पास थोड़ा टाइम होता है जब वो टीवी देख सकते हैं, तो आपको टाइमिंग्स का ध्यान रखना है, ठीक है? और चौथी बात कि कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी, कौन सा मीडिया हमें यूज करना है, मीन्स टेलीफोन के थ्रू करना है, इंटरनेट के थ्रू, टेलीविजन, रेडियो, वॉल पेंटिंग, न्यूज़पेपर, कौन सा चैनल हमें यूज करना है, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो जहां पर आप ये सारी चीजें डिसाइड करते हो वही होता है मीडिया प्लानिंग। आई थिंक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करा दिया है। आप चाहें तो डेफिनेशन भी देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मीडिया प्लानिंग एक सीरीज है जिसमें हम डिसीजन लेते हैं कि हमें प्रमोशन करने के लिए जो मैसेज डिलीवर करना है वो इफेक्टिव मैनर में डिलीवर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक हमारी बात पहुंच सके, और सबसे जरूरी बात कि कम खर्चे में हम अपना प्रमोशन कर सकें। अब यहां पर आपने देखा होगा पोटेंशियल कस्टमर लिखा है। पोटेंशियल का मतलब होता है भावी, वो कस्टमर जो अभी आपके कंज्यूमर है नहीं लेकिन हाँ अगर आप एड दिखाएंगे तो वो उससे इन्फ्लुएंस होकर आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो जो फ्यूचर में हमारे कस्टमर बन सकते हैं उनको हम पोटेंशियल कस्टमर कहते हैं। बात समझ आई? अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे मीडिया है जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपना मैसेज रूरल एरिया के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मास मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, पर्सनलाइज्ड मीडिया, 3 तरीके के मीडियाज होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं और हमें यही देखना है कि कौन सा मैसेज किस मीडियम के जरिए पहुंचाया जाए और किस टाइम पर पहुंचाया जाए। फर्स्ट जैसे टेलीविजन, ऑब्वियसली टेलीविजन सबसे बेस्ट सोर्स है क्योंकि टीवी चाहे कोई अनपढ़ है चाहे पढ़ा लिखा सभी देखते हैं और उसमें दिखाई गई एड सब समझ भी सकते हैं, ठीक है? तो हम टेलीविजन का इस्तेमाल करेंगे मगर टेलीविजन की टाइमिंग्स हमें ध्यान रखनी होगी कि रूरल एरिया के लोग उस टाइम पर अवेलेबल हो हमारी एड देखने के लिए। जैसे कि जब हार्वेस्ट का सीजन होता है, नहीं जब खेती कट रही होती है उस टाइम पर किसान अवेलेबल नहीं होता, तो उस टाइम पर आप कितनी भी प्रमोशन करें कोई फायदा नहीं है, वो उस प्रमोशन को देख ही नहीं सकता। लेकिन जब ऑफ सीजन चल रहा होता है, हार्वेस्टिंग खत्म हो जाती है, अब किसान फ्री है, घर पे बैठ सकता है, टीवी देख सकता है, उस टाइम पर आप उनकी उनके मतलब की एड्स दिखा सकते हैं जिसमें आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हैं। सेकंड है सिनेमा, यानी कि सभी जाते हैं जैसे मूवीज में, मूवीज देखने थिएटर्स में, तो मूवी स्टार्ट होने से पहले हम दिखाते हैं एड, बीच में इंटरवल में भी एड दिखाई जाती है और फिल्म खत्म होने के बाद भी चल रही होती है, तो हम सिनेमा के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। मगर वहां पर एक लिमिटेशन हो जाती है कि ज्यादातर लोग बिल्कुल मूवी के टाइम पर पहुंचते हैं, एड देखना पसंद नहीं करते और इंटरवल में भी वो उठकर खाने पीने चले जाते हैं या वॉशरूम चले जाते हैं तो वो एड नहीं देखते, ठीक है? देन थर्ड है प्रिंट मीडिया, यानी आप न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स का इस्तेमाल कर सकते हो अपना प्रोडक्ट की एड करने के लिए। मगर यहां पर एक लिमिटेशन है कि अगर आपका कस्टमर अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो आपके मैसेज को रीड नहीं कर पाएगा। देन वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब है मुंह से सुनकर जब हम किसी की बात से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, और उससे इन्फ्लुएंस होकर जब हम कोई सामान खरीदते हैं उसे वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं। जैसे कि सपोज करते मेरे एक फ्रेंड ने
लक्स शैम्पू यूज किया, ठीक है, और उनका उसका हेयर फॉल बहुत हो रहा था, उसने लक्स शैम्पू यूज कर लिया, उसके हेयर फॉल रुक गए, या हिमालय का शैम्पू उसने यूज किया, हेयर फॉल रुक गया, ठीक है। तो उसने मुझे बताया कि मेरा हेयर फॉल इस शैम्पू का यूज करने से रुक चुका है। अब मेरे भी माइंड में आएगा कि अच्छा मेरा भी हेयर फॉल होता है, उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो हो सकता है मेरा भी सॉल्व हो जाए। उसके कहने पर, उसके मुंह से ये बात सुनने पर मैंने सनसिल्क या हिमालय या लक्स जो भी उसने कहा था वो शैम्पू यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो गांव में भी ऐसे ही होता है, अगर कोई सरपंच है या कोई बड़ा हेड है, मुखिया है, जो गांव में आकर लोगों को ये बोल दे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, या तो उसकी बात सुनकर बाकी लोग भी अट्रैक्ट हो जाते हैं और प्रोडक्ट खरीद लगते हैं। नेक्स्ट, वीडियो ऑन व्हील्स, यानी कि ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करें जो जिनमें लाउड स्पीकर लगा दिया जाता है, एक पर्सन बोलता जाता है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता है। इस तरह की चीजें गांव में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। ये बहुत फायदेमंद है क्योंकि अगर आपका जो कंज्यूमर है वो लिटरेट नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वो सुनकर आपके प्रोडक्ट के बारे में समझ सकता है। मगर यहाँ एक लिमिटेशन ये है कि वो आपके प्रोडक्ट को देख नहीं सकता, आप सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में उसे बता रहे हो, ठीक है। यहाँ ये कर सकते हैं कि वैन के ऊपर प्रोडक्ट का पोस्टर लगा सकते हैं ताकि वो लोग उसको देख सके। चलिए अब बात करते हैं ट्रेडिशनल मीडिया, यानी कि जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं उन मीडियाज की। फर्स्ट है वॉल पेंटिंग। वॉल पेंटिंग सभी को पता है, दीवारों पर पेंट करके ना प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, प्रोडक्ट बना दिया जाता है, ब्रांड को पॉपुलर करने की कोशिश की जाती है ताकि आते जाते लोग जो भी है उसको देखें और उन्हें पता लगे कि मार्केट में इस तरह का कोई नया प्रोडक्ट आया है। नेक्स्ट, पपेट्री। पपेट्री का मतलब होता है कठपुतली का शो। कठपुतली के जरिए आप कोई छोटा मोटा नाटक करके कंज्यूमर को समझा सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है आपका, सपोज लाइफ इंश्योरेंस का या हेल्थ इंश्योरेंस का या बैंकिंग का या कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं आप। कठपुतली का एक छोटा सा शो बनाइए, उसमें दिखाइए कोई प्ले जिससे उनको बात समझ आए और आपका प्रोडक्ट वो खरीदने में बाध्य हो जाए। नेक्स्ट, फॉक थिएटर, यानी कि फॉक कल्चर का इस्तेमाल कर सकते हो, थिएटर में नाटक करके आप उन्हें समझा सकते हो, जैसे रामलीला वगैरह होती है उस तरीके से। स्टॉल्स एट हार्ट या मेलास, मतलब जो गांव में छोटे छोटे मेले लगते हैं या हाट लगता है, आप वहां पर जा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वहां ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, इंफॉर्मेशन देना आसान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैनर पोस्टर, यानी आप बैनर का इस्तेमाल कर सकते हो या आप पोस्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब बैनर या पोस्टर में क्या होगा, जैसे हमने देखा होगा बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं, किसी हीरो हीरोइन की फोटो होती है, उसे मैसेज लिख दिया जाता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, इसी तरह बैनर्स लगा दिए जाते हैं, आते जाते लोग उसे देखते हैं, उनकी उनकी नजर पड़ती है प्रोडक्ट पे, उन्हें पता चल जाता है कि हाँ कोई नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, ठीक है। ये बहुत फायदेमंद है क्योंकि जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते वो देख तो सकते हैं, एटलीस्ट समझ सकते हैं कि हाँ कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में है। नेक्स्ट, बट एक डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि वो बैनर या पोस्टर पर लिखी हुई चीज को नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है पर्सनलाइज्ड मीडिया, यानी कि यहां पर हम पर्सन से फेस टू फेस मिलकर बातचीत करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है कि हम कस्टमर को, एक ग्रुप ऑफ कस्टमर सिलेक्ट कर लेते हैं, उनको अपने सामने बैठा के प्रोडक्ट कैसे यूज करना है और क्या उसका रिजल्ट आएगा वो उन्हें करके दिखाते हैं, जिससे कि वो ऑन द स्पॉट ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं आपके पास वॉशिंग पाउडर है जिसे आप बेचना चाहते हो, आप गांव में जा रहे हैं, ठीक है, वहां फीमेल्स आपने इकट्ठा कर लिए दो चार घरों की, उनको बोला कोई गंदा कपड़ा लाके दीजिए, उन्होंने लाके दिया, आपने उसको वॉश करके ऑन द स्पॉट दिखा दिया, वो एकदम चमकता हुआ निकलता है, तो आप बोलते हैं देखिए कितना अच्छा हमारे डिटर्जेंट से वॉश होता है, तो इससे क्या होगा, वो फीमेल्स इंप्रेस हो जाएगी कि हाँ इसने इतने कम टाइम में इतना अच्छा वॉश किया, तो वो सामान को खरीद लेगी। तो डेमोन्स्ट्रेशन बहुत इफेक्टिव रहता है, मगर ये हर प्रोडक्ट के लिए यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, डायरेक्ट मेल, यानी कि हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल के थ्रू हम कंज्यूमर को बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा चीज चल रहा है मार्केट में। ये बहुत हाई प्रोफाइल चीजें हैं, ये कम ही यूज की जाती हैं। आजकल जो रूरल एरियाज हैं उसमें ज्यादातर इन दो मीडियाज का इस्तेमाल किया जाता है,
मगर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी सिंगल एक या दो मीडिया का इस्तेमाल करके आप प्रमोशन अच्छा नहीं कर सकते। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ टीवी का इस्तेमाल कर लेते हैं, एड दिखा देते हैं और पपेट्री शो कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा खर्चा हर तरह के जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मीडियाज है उन पर करना होगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया प्लानिंग, यानी कि अगर कोई कंपनी मीडिया प्लानिंग करके अपने प्रोडक्ट के बारे में रूरल कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना चाहती है तो उससे उसको क्या बेनिफिट होता है, और साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो मीडिया प्लानिंग के समय फेस करनी पड़ती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि कंपनी के पास जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो मनी है, लेबर है, कुछ भी है, वो सारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, और लिमिटेड सोर्सेज के साथ जब हमें काम करना होता है तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, और ये डिसीजन लेने में हमें मीडिया प्लानिंग हेल्प करता है। मीडिया प्लानिंग हमें समझाता है कि हमें कितना खर्चा एड पे करना है, कितना खर्चा हमें इंटरनेट का इस्तेमाल करके करना है, कितना खर्चा वॉल पेंटिंग या बैनर्स पे करना है, ताकि हमारा जो वेस्टेज है वो कम हो जाए। सेकेंड, हेल्प्स इन अचीविंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको अचीव करने में मीडिया प्लानिंग हेल्प करता है। अगर किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, तो वो तो हम पर्सनल सेलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं या एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मोटिव है कॉम्पिटिटर को हराना और साथ ही साथ सेल्स को भी बढ़ाना है, तो आपको बहुत सारे मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको हर कस्टमर तक पहुंचना पड़ेगा, इसके लिए जो भी करना है करना पड़ेगा, है ना। तो आपको हेल्प करता है अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। देन सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया, किस मीडिया का इस्तेमाल करके हम सबसे ज्यादा कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, ये हमें मीडिया प्लानिंग से ही पता चलता है। हम जब स्टडी करते हैं मार्केट की तो हमें पता चलता है कि कस्टमर किस किस टाइम अवेलेबल है, कस्टमर का एजुकेशन और इनकम लेवल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी एड बनाते हैं और या मैसेज का कंटेंट बनाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि ये मैसेज हमें किस टाइम पर डिलीवर करना है, किस कस्टमर को डिलीवर करना है, और ये सब करने में हेल्प करता है हमें मीडिया प्लानिंग। सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम मीडिया मिक्स, यहाँ मिक्स नहीं होगा, मीडिया मिक्स होगा, सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम मीडिया मिक्स। मिक्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मीडियाज। कॉम्बिनेशन कैसे होगा कि थोड़ा खर्चा आप, मतलब कुछ कंटेंट आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू दिखा रहे हैं, कुछ पर्सनल सेलिंग के थ्रू कर रहे हैं, थोड़ा खर्चा आप अपने पोस्टर बैनर्स पे कर रहे हैं, कुछ खर्चा आप हाट में जाकर या मेलाज में जाकर इन्फॉर्मेशन देकर कर रहे हैं, तो कौन से अलग अलग, देखिए आपने सब अलग अलग तरह के मीडिया इस्तेमाल किए, सिर्फ एक मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया ना, जब बहुत सारे मीडिया का इस्तेमाल करके आप अपना मैसेज भेज रहे होते हैं उसे मीडिया मिक्स कहते हैं। तो कौन कौन से मीडिया का हमें सिलेक्शन करना चाहिए ये मीडिया प्लानिंग से पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन एलोकेटिंग एडवर्टाइजिंग बजट। यस, ये बहुत जरूरी है भाई, जब तक पैसा नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता, है ना, कहते हैं ना कि मनी इज हनी, ठीक है, दुनिया में पैसा है तो सब कुछ हो सकता है। पैसा नहीं है तो आप कितना भी अच्छा मैसेज बना लीजिए, लेकिन उसको डिलीवर करने के लिए पैसा तो चाहिए भाई, है ना। तो अब क्या है कि अब आपके ये देखना है कि बजट कितना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट करनी है, पोस्टर छपवा दूं, बैनर्स लगवा दूं, पर्सनल सेलिंग भी करवा दूं, लेकिन पर्सनल सेलिंग करने के लिए लेबर कहां से लाओगे, लेबर को सैलरी भी तो देनी है। पोस्टर्स बैनर्स अगर इतने सारे छपवाने हैं तो प्रिंटिंग का खर्चा लगेगा, फिर उनको लगवाने का खर्चा लगेगा, कहां से लाओगे इतना पैसा। तो हमें ये भी तो देखना है कि हमारा बजट कितना है, जितना बजट होगा उसी के अकॉर्डिंग तो आप मीडिया प्लानिंग करेंगे ना, कि भाई मैं इस बजट में ये मीडिया का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है एंश्योर्स एप्रोप्रिएट टाइमिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये बहुत जरूरी है कि एड किस टाइम पर टेलीकास्ट की जाए ये सोचना है। एड अगर फीमेल्स के लिए है, रूरल एरिया की फीमेल्स के लिए, जैसे कि कपड़े धोने का वॉशिंग पाउडर है आपका, ये नहाने का साबुन है, कोई तेल साबुन क्रीम इस तरह की चीजें हैं, तो ये फीमेल्स को दिखाने के लिए दोपहर का टाइम ठीक है थोड़ा सा, ठीक है, जैसे 10 से लेकर 11:30 तक, जब वो ब्रेकफास्ट कर चुकी होती है, लंच की तैयारी भी शुरू नहीं हुई, उस टाइम दिखा सकते हैं या शाम को रात को दिखा सकते हैं। अगर आपको जेंट्स को दिखाना है तो जेंट्स तो सुबह से शाम तक खेतों में ही होता है, तो वो तो रात को ही देखेगा। तो जिस तरह का कस्टमर है उसके लिए किस टाइम पर एड दिखाई जाए ये सोचना बहुत जरूरी है। अगर बच्चों के लिए है तो ऑब्वियसली स्कूल टाइमिंग के बाद दिखाए, ताकि बच्चे उस चीज को देखकर खुश हो, जैसे किंडर जॉय है,
या और कोई चिप्स वगैरह चॉकलेट वगैरह की एड है, ठीक है, बच्चों को अट्रैक्ट करना है, तो उस टाइम पर दिखाइए जिस टाइम बच्चा अवेलेबल होता है घर पे, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है हेल्थ एंड कंट्रोलिंग। अब ये सारा काम करने के लिए कंट्रोलिंग होना बहुत जरूरी है। कुछ भी खराब हो गया तो हमारा पूरा का पूरा मार्केटिंग खराब हो जाएगी, तो ये कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। हम कह तो रहे हैं कि कस्टमर जिस टाइम अवेलेबल हो उस टाइम एड दिखा दो, टाइमिंग्स के बारे में सोचो, ठीक है, मीडिया मिक्स सिलेक्ट कर लो, बट ये कहने सुनने में जितना आसान लग रहा है करना उतना ही मुश्किल है। इसीलिए कंपनीज को प्रॉब्लम्स आती हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। यस, यहां हम कह रहे हैं कि अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए हमें पहले कस्टमर को देखना पड़ेगा, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, इनकम क्या है, सब कुछ देखो, उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट प्रोडक्ट आप पब्लिश कर दो, ठीक है, उसकी एड पब्लिश कर दो। लेकिन ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी कहां से? घर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना इज नॉट एन इजी टास्क। और अगर आप इन्फॉर्मेशन लेकर आ भी रहे हो तो जरूरी तो नहीं है कि वो आपको एग्जैक्ट सारी इन्फॉर्मेशन दे दे। हो सकता है कुछ चीजें उन्होंने हाइड कर ली हो, छुपा ली हो, तो ऐसी कंडीशन में जब पूरी जानकारी नहीं होगी तो मैसेज का कंटेंट भी पूरा तरह से सही नहीं बनेगा। सेकेंड, टाइम प्रेशर। यस, यहां हम कह रहे हैं कि एड के लिए टाइमिंग सेट कर लो, मगर करना कितना मुश्किल है। सपोज करते कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो फैमिली के लिए है, अब लेडीज किसी टाइम अवेलेबल है, जेंट्स किसी टाइम, बच्चे किसी टाइम, तो वो कैसे दिखाएंगे आप? तो टाइम प्रेशर बहुत ज्यादा है, रूरल एरियाज की टाइमिंग्स सेट नहीं हो पाती हैं, ठीक है। देन डिफिकल्टी इन ऑडियंस मैनेजमेंट। यस, ऑडियंस को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि रूरल एरिया के लोग काम बहुत करते हैं, ठीक है, वो सारा दिन कामों में लगे रहते हैं, उनके लिए उनको ये सब चीजें वेस्ट लगती हैं। उनको लगता है कि हमारे रिटेल घर के आसपास शॉप्स पे जो सामान अवेलेबल है हम तो उसी में खुश हैं भैया, हमें फालतू की चीजें देखनी ही नहीं है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में उनके पास जाकर उन्हें चीजें समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप उनको समझा नहीं सकते, उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर एक बार वो अट्रैक्ट हो गए तो वो आपके प्रोडक्ट के लिए लॉयल हो जाएंगे, ये गारंटी है। नेक्स्ट, कॉस्टली। खर्चा बहुत आता है मीडिया प्लानिंग के टाइम क्योंकि आप अलग अलग मीडियाज का इस्तेमाल करते हैं रूरल एरिया में, तो ऑब्वियसली खर्चा ज्यादा आएगा, ठीक है। और अगर आप पर्सन सेलिंग कराना चाहते हो तो लेबर रखेंगे, उसको वेजेस देनी पड़ेगी, उसमें भी खर्चा आएगा, तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। अर्बन जो एरियाज होते हैं उसमें बहुत आसान होता है क्योंकि जो एक प्रोडक्ट आपने बनाया है उसको आपका मैसेज को कंटेंट कर बहुत इजिली वायरल कर सकते हैं। अगर नहीं कोई सोर्स मिल रहा आप इंटरनेट पर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन रूरल एरियाज में थोड़ा सा लिमिटेशन हो जाती है। नेक्स्ट, चेंजिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंट बहुत जल्दी बदलता है, तो आपने सपोज करते हैं प्लानिंग शुरू करी थी जनवरी में, प्लानिंग करते करते आप मार्च तक आए, इतने में पता चला कि मार्केट में कुछ और नया सामान आ गया, कोई और नई चीज आ गई, या कस्टमर का टेस्ट ही चेंज हो गया, तो ऐसी कंडीशन में बार बार चीजें बदलती रहती है तो आपको बदलना पड़ता है, जिससे कि कॉस्टली भी हो जाता है और मुश्किल भी आती है। देन मीडिया डिसीजन बेस्ड ऑन गैस वर्क। हाँ जी, मीडिया कौन सा सिलेक्ट करे, किस मीडिया से अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब आप सिर्फ एक गेस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपने जो सोचा वही हो भी जाए, ठीक है। तो गेस वर्क होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है। एंड लास्ट, इनएडिक्वेट एक्सपर्टाइज। यस, एक्सपर्ट्स की जरूरत यहां पड़ती है मगर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाता, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते क्योंकि रूरल एरिया में थोड़े थोड़ी सी दूरी पर जाकर कल्चर चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, नीड टेस्ट प्रेफरेंस इनकम लेवल सब बदल जाता है, तो एक पर्सन सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो यहाँ पर एक्सपर्टीज उतने अच्छे से नहीं हो पाती। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कंटेंट देखेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, अच्छे से पढ़ते रहिए। शबा खैर।